लोगों के जीवन से खिलवाड़ किए जाने का आक्रोश जताते हुए आम आदमी पार्टी ने पुलगांव थाना पहुंचकर दुर्ग निगम आयुक्त और दवाइयों से संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताना चाहेंगे कि एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा नदी किनारे बड़ी लापरवाही के साथ पड़ा हुआ मिला है। दुर्ग निगम क्षेत्र के पुलगांव वार्ड में स्थित कचरा डंप की जगह स्लम सेंटर के पीछे नाला किनारे एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा फेंका गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही इस लापरवाही को लेकर दुर्ग निगम आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलगांव थाने में ज्ञापन सौंपा। पूरा देखो पानी तैर रहा है, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर एस के अग्रवाल और मेहरबान सिंह ने बताया कि इस तरह से कोई भी मेडिकल से संबंधित दवाओं को नहीं फेंक सकता, इसके लिए बाकायदा एक अलग ही नियम लागू है। फिर भी दुर्ग निगम की अनदेखी के चलते डोर टू डोर कचरा कलेक्ट कर यहां लाया जा रहा है और दवाइयों का जखीरा यूं ही नदी नाले में पानी में बहाया जा रहा है, जिससे ना जाने किस तरह से और कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सिरप का पैकेट पड़ा है, डब्बा पूरा सिरप का डब्बा पड़ा है, ये देखो। आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि मामले में जलाराम वाटिका के पास स्थित SLRM सेंटर में कचरों को लाकर डंप किया जा रहा है, उसके बाद टैंक के माध्यम से उक्त वेस्ट को अन्य तय जगह पर भेजा जा रहा है। साथ ही उसी पानी को फिल्टर कर पूरे शहर को पानी की सप्लाई की जा रही है। आपको बता दें SLRM सेंटर के पीछे निगम के द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने एक्सपायरी दवाओं को फेंक दिया गया है, जो कि ये एक्सपायरी दवाएं पानी में तैर कर घुल रही है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हमने एक जागरूक नागरिक, जैसा कि सर ने बताया कि एक नागरिक के रोल पर उन्होंने कंप्लेन दी हमको कि यहाँ बहुत सारे दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो हम लोग पूरे टीम मिलकर यहाँ पे आई तो इसमें खांसी की दवाइयों से लेकर कैप्सूल्स और इंजेक्शंस और सब मतलब इंजेक्शन बॉटल्स भी हैं, तो ये सब नदी के आसपास में डिस्पोज किया गया है ताकि नदी में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। तो अभी वैसे ही बारिश का समय चल रहा है, हर तरफ वायरल है, लोग अपनी बीमारियों से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वैसे समय में ये दूषित पानी तो उनके सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। ये दुर्ग निगम की सरासर लापरवाही है। जीवन के साथ खिलवाड़ है लोगों के। यह पानी दुर्ग के रहवासी भी पीते हैं, भिलाई के रहवासी भी पीते हैं और उनके जीवन के साथ सीधी सीधी खिलवाड़ है। और पानी में जो दवाइयों के पैकेट्स हैं और एंटी एलर्जी की जो टैबलेट्स हैं, अगर घुल जाएं, पानी में तो तैर रहे हैं टैबलेट, और ट्यूब्स वगैरह हैं जो एक्सपायरी हैं, वो उनको पानी से अलग करने, केमिकल को पानी से अलग करने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो नेचुरली किसी न किसी तरीके से मनुष्य के शरीर पर इफेक्ट करती हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आप सोचो कि यूजर चार्ज ले रही है निगम हर डोर टू डोर कचरा उठाने का, लेकिन मेडिकल वेस्ट उठाने का निगम को राइट्स नहीं है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये मेडिकल वेस्ट जो एक्सपायरी दवाई आई कैसे, और दवाई आकर ला करके इससे कितनी संवेदनहीनता है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। पुलगांव नाले का पानी शिनार नदी में वहां से फिल्टर होके, फिल्टर क्लोरिन और फिटकर ही यूज होती है और कुछ ज्यादा हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता नहीं है, तो सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। FIR चाहते हैं, FIR हम लोग आयुक्त के खिलाफ सीधा सीधा शिकायत कर रहे हैं और उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और प्रशासन, हमको उम्मीद नहीं है कि प्रशासन, जिला प्रशासन इसकी ईमानदारी से जांच कराएगा। हमने जिला कलेक्टर महोदय जब आई थी उनको पुष्प गिफ्ट किया था अभिवादन के स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने हमको कहा था कि ये क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक है, आप पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हो। ये पर्यावरण के खिलाफ कितना है, पर्यावरण को कितना दूषित कर रहा है। अब सवाल ये है जिलाधीश महोदया से कि क्या वो इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम, ठोस कदम उठाएंगी, उन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगी, निगम आयुक्त के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगी, और जो जनप्रतिनिधि जो रबर स्टैंप महापौर बाकलीवाल जी हैं इसको संज्ञान में लेंगे, और जो गजेंद्र विधायक हमारे दुर्ग शहर विधायक हैं वो
दुर्ग की हालात से कितना परिचित है, ये सवाल है। दुकान से निकली कर्फ्यू पर कार्रवाई भी हो, राजा और रंग को हर किसी, कानून सबके लिए बराबर है, ये प्रमाणित करो ना, कागजों पे कैसे चलेगा। चार दिन पहले हमें एक जागरूक नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर SLRM में कचरा डंप किया जा रहा है और इसका पानी रिस्क के नाला में जा रहा है, जिससे कि दुर्ग जन के शहर की जनता को स्वास्थ्य की काफ़ी हानि हो रही है। हम लोगों ने SRM जाकर देखा, वहाँ पर वाकई पानी वहाँ से रिस्क कर नाले में जा रहा था, नाले के द्वारा। उसके बाद हमने सोचा चलो और उसका मुआयना किया जाए। उसके बाद हम लोग SRM के पीछे गए नाले के किनारे में, लेकिन वहाँ पर जाके हम आश्चर्यचकित हो गए, हमारी आँखें खुली की खुली रह गई। वहाँ दवाइयों का डंप पड़ा हुआ था और हमने वहाँ पे पूरे विजुअल बनाया और देखा तो सभी एक्सपायरी दवाइयाँ थी, और जिसमें जो हार्ट की दवाइयाँ भी थी, एसिडिटी की दवाइयाँ भी थी, पेन किलर भी दवाइयाँ थी, ऑइंटमेंट था, बिटाडीन की बॉटल्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी जो कि एक्सपायरी हो गई थी और वो बह के नाले में जा रही थी। तो मेरा कहना यह है कि ये दवाइयाँ जाकर नाले में मिलेंगी, और वही नाला जो जाके शिवनाथ नदी में मिलता है, और वो पानी पूरी जनता को दुर्ग की नगर निगम के महापौर आयुक्त वो पानी पिला रहे हैं। और चूंकि जो केमिकल युक्त पानी है उसको सेपरेट करने का कोई तरीका नहीं होता, वो केवल फिल्टर करते हैं और क्लोरीन मिलाकर पानी भेजते हैं हमको, जिससे कि केवल जीवाणु का नाश होता है लेकिन केमिकल युक्त तो उसमें बना ही रहता है। ये दवाइयाँ इतनी खतरनाक हैं, हार्ट की दवाइयाँ इसमें टेलमिसोट्रॉन है, बहुत सारी और दवाई हमने देखी हो तो जो कि जनता को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती। इसमें खुली तरीके से नगर निगम की लापरवाही है, नगर निगम के जो कचरा उठाने वालों ने स्टॉकिस से या रिटेलर से दवाइयाँ उठाई है और यहाँ पे लाके डंप किया गया है, तो नेचुरली वो जो कचरा उठाने वाले के साथ ऊपर सुपरवाइजर रहते हैं, और चूंकि दवाइयाँ पीछे अलग से डंप की गई हैं नाले के किनारे, तो ये एक सोची समझी साजिश है और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका डिस्पोजल नहीं किया है। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में हम लोग का एक SMS वाटर ग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिकृत है, हमारा उनसे एग्रीमेंट होता है, वे हमारे से जो एक्सपायरी दवाइयाँ होती है वो अलग से लेके जाती है और वो वहाँ भस्मीकरण करते हैं इंसिनेटर में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर शासन चाहे तो 2 घंटे के अंदर में वो पता कर सकते हैं कि ये किसने फेंकी है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दवाइयों में एक बैच नंबर होता है, ये जिस प्रकार से बैच नंबर है और ये कब मैन्युफैक्चर डेट है और कब एक्सपायरी डेट है, हर दवाइयों के पीछे बैच नंबर लिखा रहता है। इस बैच नंबर से पता लग सकता है कि ये बैच नंबर की सप्लाई किस मेडिकल स्टोर को सप्लाई हुई थी, और उनके बिलिंग देख सकते हैं कि उन्होंने बेची है या नहीं बेची है, कि या उन्होंने डिस्पोज किया है। लापरवाही लगता है इसमें? बिल्कुल 100% लापरवाही है। लापरवाही दुकानदारों की भी है और नगर निगम की भी है। किसे शिकायत की? आज हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं, हम पुलगांव थाना FIR कराने जा रहे हैं, हम डायरेक्टली नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे। क्या इससे किसी की जान का हानि हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्या हुआ भी होगा तो क्या पता। क्या चाहते हैं? इसकी अच्छे से जांच होना चाहिए और जो जिन्होंने गलती की उनके ऊपर सजा मिलना चाहिए। डॉक्टर एस के अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी दुर्ग। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।